महिला आयोग का गठन, आपकी महिला आयोग में तो कार्रवाई होती थी, जब से ये सरकार आई है इन्होंने महिला आयोग को 25 सदस्य यहाँ पे नियुक्त किए गए हैं। हम लोग को पूरे जिले में जाना पड़ता है, जिसको जो जिला आवंटित है वहाँ के केसेस को तुरंत एक हफ्ते के अंदर मामले की जानकारी करके उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है। अब फीडबैकिंग भी थोड़ा ढिलाई हो रही थी, तो सरकार ने आदेश किया है कि आप तुरंत फीडबैकिंग लेकर के उस पर कार्रवाई करवाई जाए, जिससे मुझे लगता है कि सरकार का जो ये कदम आगे बढ़ा है, जिस तरीके का आयोग से हम लोगों को भेजा जा रहा है, तो महिला उत्पीड़न कम क्यों हो जाएगा। और हमारी माननीय मंत्री रीता बहुगुणा जोशी जी, जो कि मंत्री हैं हमारे यहाँ की, उनका भी ये, वो बहुत गंभीरता के साथ इस चीज़ को ले भी रही हैं। हम लोगों से भी फीडबैकिंग लेती हैं कि क्या मामला आता है क्या नहीं। हमारे आयोग के अध्यक्ष भी इस मामले में पूरी तरीके से तटस्थता से लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार महिला उत्पीड़न के केस को जल्द से जल्द महीने भर के अंदर ही निस्तारण का आदेश दिया। प्रयागराज में कुंभ लग रहा है, तो आप लोग कुछ इस तरह जागरूकता को लेकर के कुछ इस तरह का अभियान चलाने को कहा गया है, तो किस तरह का कैंप लगेगा जो है यहाँ? हमारे आयोग का कैंप यहाँ पे लगेगा। ये हुआ है कि यहाँ पे अगर मेले में कुछ इस तरह की कोई दुर्घटनाएं या घटनाएं घटती हैं या आपके पास आता है, तो यहाँ पर भी हम महिलाओं को प्रताड़ित होने से बचा सकते हैं। प्रशासन इसमें पूरी तरीके से हम लोग के साथ रहेगा। कुछ कार्य योजना भी तैयार की गई है जागरूकता के लिए? हाँ, जागरूकता के लिए हम जन जागरण का पूरा दिया गया है कि आप मेले में एक पद यात्रा के द्वारा जो भी वहाँ पे लोग रहेंगे उनको आप पूरे एक प्रचार किया जाएगा कि आपको किसी भी तरह से परेशानी हो, किसी भी महिला या बच्चे को, तो आप जो हैं इस नंबर पे, इस जगह पे हमारे कांस्टेबल लगे रहेंगे, बने हुए हैं सब लोग, तो वहाँ पे आपको सूचना दी जाएगी, वो ले आकर के वहाँ पहुँचाएंगे कार्यालय पर।